मेरे दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के साइंस, और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका पार्ट वन हो चुका है, पार्ट वन मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट टू देखने से पहले, मतलब ये वाला पार्ट देखने से पहले आप पार्ट वन देखिए, ताकि आपको इसके पीछे के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ जाएँ, ठीक है। आज हम इसका पार्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट टू में आज हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, मतलब हमें प्रिज्म से पढ़ना है कि प्रिज्म के अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखिए, मैं आपको प्रिज्म एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या होता है प्रिज्म। देखिए, ये आप जो फिगर देख रहे, जो आप मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसी को हम प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रिज्म, ठीक है। इसे अगर ऊपर से देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। एकदम ये कांच का बना हुआ होता है। आपकी जो स्कूल की जो लैब होती है, स्कूल की जो फिजिक्स लैब होगी, उसमें आप इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से होता है, ठोस बना, एकदम सॉलिड होता है अंदर से, ठोस होता है, ठोस अंदर से सॉलिड होता है, ठीक है। और साइड से कुछ इस तरीके से मिलता है देखने के लिए, और ऊपर से टॉप से ऐसे होता है, और सामने से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म में देख लेते हैं, प्रिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि प्रिज्म जो देखते हैं ना, इसके ये वाले जो फेस हैं, आप ये जो फेस देख रहे हैं, इनको इनको बोलते हैं लेटरल फेसेस। क्या बोलते हैं? लेटरल फेसेस बोलते हैं। और जो जहाँ पर दो लेटरल फेस आपस में मिलते हैं, उनके बीच में जो एंगल बनता है, यहाँ एंगल देख रहे हैं आप, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, इन दोनों, ये दोनों यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी बनेगा एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर भी बनेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। भाई दो फेस जहाँ पर जाकर मिलेंगे, उनके बीच में एंगल बनेगा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ भी एंगल ऑफ प्रिज्म बन रहा है, इधर भी एंगल ऑफ प्रिज्म बन रहा है, इधर भी एंगल ऑफ प्रिज्म बन रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। हमने ग्लास प्रिज्म ले लिया, इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसिस, इसके अंदर दो ट्रायंगुलर बेस होंगे, है ना भाई। देखिए, एक ट्रायंगुलर बेस ये रहा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ ट्रायंगुलर बेस है, ठीक है। आगे आगे क्या कहते हैं, एंड थ्री रेक्टेंगुलर लिटरल सरफेस। इसके पास क्या होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं भाई। देखिए, एक ये सरफेस कैसा है, रेक्टेंगल की शेप में है, ये सरफेस रेक्टेंगल की शेप में है ना, ऐसे ये वाला जो सरफेस है ये भी कैसा, रेक्टेंगल की शेप में है। तो वही बात बताई गई है कि प्रिज्म में क्या होता है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं और एक दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं। दिस सर्फेसिस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, और ये जो सर्फेस होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, ठीक है। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। देखिए, एक सर्फेस ये हो गया लिटरल फेस, एक लिटरल फेस ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहते हैं, मतलब मिलते हैं कहीं पर, आपस में क्या बनाते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ आप जो देख रहे हैं इधर, ये बना रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। देखिए भाई, यहाँ पर आपके बुक के एनसीईआरटी बुक के अंदर ये जो एक्टिविटी दी गई है ना, इस एक्टिविटी को ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। इसे मैं अपनी कॉपी पे समझा देता हूँ, कॉपी पे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो जल्दी इसका डायग्राम भी ड्रॉ करता रहता हूँ, आपको आपको समझाता भी रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म के अंदर लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, क्यों बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि रिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है, जानते हैं वैसे आप सभी लोग रिफ्रेक्शन का मतलब, कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जो लाइट का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, या फिर रिफ्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ग्लास प्रिज्म में पढ़ना है कि प्रिज्म के अंदर लाइट का रिफ्रेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि हमने प्रिज्म ले लिया इस तरीके से, ठीक है, ये बना लिया हमने प्रिज्म, इसका नाम रख लिया हमने ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने इस साइड एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे, इस वाले फेस पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और इस पे हमने दो पिन लगा दी, ठीक है। पिन समझते हैं आप लोग ना, ऑल पिन, या फिर पिन जो लंबी सी होती है कुछ इस टाइप से, पिन हमने यहाँ एक पिन यहाँ लगा दी, एक पिन यहाँ लगा दी, ठीक है। अब क्या करा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, इस वाले ए बी फेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही हमने इसके इस वाले फेस पर भी, जो हम जो ए सी फेस है, यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर लिया नॉर्मल कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिए, दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका नाम रखा हमने एन, इसका नाम रखा हमने एन डैश इस नॉर्मल का, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमने इस वाली लाइन पर दो हमने पिन लगा ली, फिर हमने यहाँ पर प्रिज्म को रखेंगे, क्या रखेंगे, प्रिज्म को रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, इस वाली साइड से जो ए सी साइड है, इस वाली साइड से हम इन दोनों पिन को, इस वाली साइड से हम क्या करेंगे, प्रिज्म के अंदर से देखेंगे, पहले से प्रिज्म रख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाली साइड से क्या करेंगे, हम इन दोनों पिनों को देखने की कोशिश करेंगे, दोनों पिन हमें कहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से। जैसे ये प्रिज्म बनाया हमने डायग्राम इसका, तो इस पे ऐसे रख देंगे प्रिज्म, ये रख दिया मैंने प्रिज्म, ठीक है,
इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस साइड से, इस वाले फेस से क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने पिन लगाई, मान लीजिए पिन लगी हुई है, ये बड़ा सा पेन, मतलब ये मान लीजिए पिन हो गया, ठीक है। इसको इस वाले फेस से देखेंगे, इस वाले फेस से देखने की कोशिश करेंगे, ये जो पिन है, दो पिन लगानी है, एक ये इसके पीछे लगानी है, ठीक है। दोनों पिन हमें कहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर दोनों पिन हमें नज़र आ रही होंगी बिल्कुल उसकी सीधाई में, उसकी सीध में, फिर हमने क्या करना है, हमने दो पिन और लगा देनी है दूसरे वाले फेस पे, एसी वाले फेस पे, ठीक है। एक मिनट बता रहा हूँ, माइक थोड़ा सा मेरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें हम इस वाले फेस से जब देखेंगे इस पिन को, तो देखेंगे कहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल उसकी सिधाई में हम यहाँ पर दो पिन और लगा देंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो दोनों पिनें हैं वो हमें कुछ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं, ठीक। तो हमने उसके सीध में दो पिन लगा दी यहाँ पर ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों पिनों को मिलाते हुए लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे इसको ऐसे, मिला ली हमने ऐसे लाइन, भाई दो पिन लगाए, इन दोनों पिनों को हमने यहाँ से हटाया, फिर वहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ तक ड्रॉ कर ली, इस लाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, आगे तक जहाँ लाइन जा रही थी। अभी जो लाइन इस पर जा रही थी, ये लाइन तो क्या हो रही है, प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है ऐसे, उसको भी हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, और ये जो लाइन यहाँ से जो आ रही है ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब रे ऑफ जो लाइट है, सुनिए ध्यान से जो बता रहा हूँ मैं, जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जा रही थी ऐसे, लेकिन हमने यहाँ पर क्या रख दिया प्रिज्म। रखने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे जा रही है, अब मतलब पहले तो ऐसे जा रही थी और ऐसे ही चली जाती है, अगर यहाँ प्रिज्म नहीं रखते तो रे ऑफ लाइट ऐसे इसमें से ऐसे ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब हमने यहाँ पर प्रिज्म रखा तो जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से बैंड होके इस साइड चली गई, इधर आ गई, ऐसे आ गई रे ऑफ लाइट, आई बस समझ में। रे ऑफ लाइट पहले ऐसे जा रही थी, लेकिन प्रिज्म रखने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से बैंड होके ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये जो एंगल चेंज आया, मतलब जानी तो ऐसे थी रे ऑफ लाइट पर जाब ऐसे रही है ना, तो ये जो चेंज आया इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कितने एंगल का चेंज आया है लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में। लाइट ऐसे जा रही थी पर लाइट अब ऐसे जा रही है प्रिज्म रखने के बाद, तो ये जो चेंज आया ना एंगल, मतलब जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसे बोलेंगे क्या हम, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, मतलब इतने डिग्री एंगल का चेंज आया है प्रिज्म के अंदर, ठीक है, मतलब लाइट के पाथ के अंदर आया है, ठीक है। इसका साइन होगा डेल, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, ठीक, आगे बात समझ में। और यहाँ पर जो बनेगा एंगल उसे बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अच्छा अब फिर एक रे ऑफ इसको हम यहाँ से मिला देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब फिर यहाँ जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रिज्म पे जब लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, उसका लाइट का रास्ता चेंज हो रहा है, लाइट का पाथ चेंज हो गया, लाइट ऐसे न जाने के बाद ऐसे चली गई है। तो यहाँ जो एंगल में चेंज आया, लाइट के रास्ते में जो चेंज आया जितने डिग्री एंगल का, उस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बनेगा इनके बोले एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, ठीक। अब चलते हैं हम इसके अगले टॉपिक पे अपने, आगे हमारे पास हमने पढ़ना है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, मतलब ग्लास प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब ठीक है, तो मतलब सॉरी व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन कैसे हो ग्लास प्रिज्म के अंदर, ठीक है। तो होता है कि आप भाई मान लीजिए प्रिज्म रखा हुआ है, तो प्रिज्म को जब हम सनलाइट के सामने रख देते हैं, जब प्रिज्म के ऊपर सनलाइट पड़ती है, ये लिखा ना व्हाइट लाइट बीम, मतलब प्रिज्म को जैसे प्रिज्म रखा हमने, ठीक है, और प्रिज्म के ऊपर क्या पड़ रही है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो क्या करेगा, इस प्रिज्म में से 7 कलर्स की लाइट निकलती है। तो जब इस प्रिज्म के ऊपर जब सन की लाइट पड़ती है ना, तो क्या होता है, इसमें से 7 कलर्स की लाइट निकलती है। ऐसे ये प्रिज्म रखा हुआ हमने, ठीक है, तो जब इस पर सन की लाइट पड़ेगी, मान लीजिए ऐसे रख दिया हमने प्रिज्म, ठीक है, इस पर सन की लाइट पड़ेगी, तो इसमें से क्या देखेंगे, 7 कलर्स की लाइट, यदि आप जो देख रहे हैं ना, ये 7 कलर्स की लाइट निकलती है, ठीक है। एक्चुअली जो सन से जो रिजर्व लाइट आती है वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, और जो व्हाइट कलर की लाइट होती है उसी के अंदर 7 कलर्स की, उसके अंदर ही 7 कलर्स की लाइट होती है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे इस प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, तो प्रिज्म में से क्या निकलती है, 7 कलर्स की लाइट निकलती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब जो व्हाइट लाइट है वो क्या है, वो स्प्लिट होगी, वो टूट गई है 7 कलर्स की लाइट में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। आइए बस समझ में क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, जो वाइट लाइट है जब वो अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, या फिर वो जब वो सन पे पड़ने वाली, सॉरी सन से आने वाली जो वाइट लाइट है, जो प्रिज्म पर टकराने के बाद जब वो सेवन कलर्स की लाइट में ब्रेक हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो कलर निकलते हैं वो किस पैटर्न में निकलते हैं, देखिए सबसे ऊपर तो रहता है रेड कलर, सबसे नीचे रहता है वायलेट कलर। ठीक है, और इसको याद करने का जो तरीका होता है विब ग्योर, नीचे से होता है विब ग्योर, इस तरीके से वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, आपके बुक में भी लिखा भी हुआ है द वेरियस कलर्स आर सीन इज वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, विबग्योर के नाम से पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से ध्यान रहे। सबसे ऊपर जो कलर निकला क्या बताया मैंने, रेड। सबसे नीचे क्या निकलता है, वॉलेट कलर निकलता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये जो सेवन कलर्स का जो बैंड मिलेगा, यहाँ पे जो सात रंग देख रहे हैं आप, इनके बैंड को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम, जो सेवन कलर्स की लाइट निकल रही है, जो बैंड मिल रहा है बैंड बोलेंगे, सेवन कलर्स का जो बैंड है इसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अभी आपके पास द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो लाइट कलर, जो यहाँ पे कलर्स का जो बैंड मिल रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो वॉयलेट कलर है, इस कलर का देखें एंगल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। देखिए जो रेड कलर सबसे ऊपर है, मतलब इस लाइट जानी तो ऐसे थी, जानी ऐसे थी, पर प्रिज्म आने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ जिस वजह से लाइट का पाथ चेंज हो गया। ठीक है, अब लाइट कैसे जा रही है, ऐसे आ गई है। अब देखिए रेड कलर सबसे ऊपर है, मतलब रेड कलर वाली लाइट का रास्ता जो एंगल जो है बहुत कम चेंज हुआ है, और वायलेट कलर सबसे नीचे है, मतलब वायलेट कलर की लाइट का एंगल ज़्यादा चेंज हुआ है। ठीक है, इसको डायग्राम से अगर इसमें नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हो गया प्रिज्म आपके पास, ये वाइट लाइट होगी, लाइट ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो रेड कलर तो भाई यहाँ से निकल रहा है, ये रहा रेड कलर। ठीक है, ये मान लीजिए रेड कलर है, और वायलेट कलर कहाँ, यहाँ ये रेड हो गया, ये वायलेट हो गया। अब देखिए किसके एंगल में ज़्यादा चेंज है, ये तो रेड कलर का एंगल, रेड कलर का एंगल ये बन रहा है, और वायलेट का एंगल ये वाला बन रहा है। तो रेड कलर के एंगल में तो बहुत, रेड कलर की जो लाइट है उसके एंगल में बहुत कम चेंज आया, और जो वायलेट कलर की लाइट है उसके एंगल में क्या रहा, ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि जो रेड कलर की लाइट होती है बहुत कम डेविएट होती है, इसके एंगल में बहुत कम चेंज आएगा, और जो वाइट कलर की लाइट होती है वायलेट की, इसके एंगल में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे, जब प्रिज्म में लाइट पड़ती है सबसे कम लाइट कौन सी डेबिट होती है, तो लीस्ट डेबिट लाइट कौन सी होगी, लीस्ट डेबिट लाइट कौन सी होगी, वो होगी रेड। और जो मोस्ट डेबिट होगी, मतलब जिसके रास्ते, जिसकी लाइट, जिसका रास्ता बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, वो कौन सी होगी भाई, वो होगी आपके पास वॉयलेट, क्योंकि वॉयलेट लाइट का एंगल जो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए, अब चलते हैं आगे। अब मान लीजिए दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म हमने ऐसे रखा, इस प्रिज्म पे जब वाइट लाइट पड़ी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, सेवन कलर्स की लाइट निकलेंगे, ऊपर रेड, नीचे सबसे ऊपर रेड होगा, सबसे नीचे होगा वॉयलेट। अब इस प्रिज्म के सामने अगर मैं एक प्रिज्म और रख दूँ, लेकिन उल्टा कर दूँ, उल्टा रखा, देखिए ये वाला जो प्रिज्म है इसके कंपेरिजन में तो उल्टा ही है, तो क्या करेगा ये जो प्रिज्म, क्या करेगा, इन सभी कलर्स को, जो सभी कलर्स की जो लाइट आ रही थी, सेवन कलर्स की लाइट, उनको कंबाइंड करके फिर से वाइट कलर की लाइट में चेंज कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो टॉपिक बताया मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर एक प्रिज्म के सामने अगर हमें दूसरा इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा प्रिज्म रखें, तो बताइए क्या होगा लाइट, तो मतलब इसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ेगी तो वहाँ से जो सेवन कलर्स की लाइट निकलेंगे, जब उस सेवन कलर्स की लाइट के सामने जब हम उल्टा प्रिज्म रखेंगे तो सेवन कलर्स की लाइट दोबारा से कंबाइंड होकर वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और हमें देखना है रेनबो वगैरह कैसे बनता है। रेनबो वगैरह आपने पढ़ रखा होगा, फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ना है यहाँ पे। रेनबो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है ना, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो इन द स्काई, उसी के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। भैया रेनबो क्या एक टाइप का नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, मतलब एक तो अपने आप होता है ये, है ना, इसको कोई कर नहीं सकता। ठीक है, तो अब बनता कैसे भाई रेनबो, तो होता क्या भाई, देखो बारिश होने के बाद क्या होता है, जब पानी की कुछ बूंदें जब होती हैं हमारे एयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाती हैं। ठीक है, मतलब फैली रहती हैं, है ना, बारिश होने के बाद जब बारिश रुक जाती है, हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी हो भी रही होती है, और जब धूप निकली हुई होती है। ठीक है, रेनबो हमेशा जब बनेगा, जब धूप भी निकली रहेगी, जब अगर धूप नहीं होगी तो जो रेनबो है वो कभी भी नहीं बनेगा, चाहे बारिश की बूंदें कितनी हवा के अंदर फैली हुई हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जब बारिश होने के बाद जब हवा की, पानी की कुछ बूंदें या रेन ड्रॉप जो होती हैं, जब वो हवा के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर फैली रहती हैं, जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है,
जब उन ड्रॉप्स के ऊपर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ड्रॉप्स क्या करती हैं, वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। क्या करती हैं, प्रिज्म। आपने पढ़ा ना प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म तो एक ऐसा हमने पढ़ा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म के ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी उसमें से क्या निकलेगी, 7 कलर्स की लाइट निकलेगी, ठीक है। तो भाई जो रेन ड्रॉप है वो क्या करेगी, प्रिज्म का काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, प्रिज्म का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया रेन ड्रॉप, तो इस पर सनलाइट पड़ रही है, तो रेन ड्रॉप क्या करेगा, प्रिज्म का काम करेगा, और इसमें से फिर क्या करेंगे, 7 कलर्स की लाइट निकलेगी। देखिए ऊपर लिखा हुआ रेड, नीचे लिखा हुआ वायलेट, ठीक है। तो ये जो रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, जो बारिश की बूंद है, वो रेन ड्रॉप क्या करेगा, प्रिज्म का काम करेगा, प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। इसलिए फिर क्या, ऐसे ही लाखों जब रेन ड्रॉप जो हमारे एयर एटमॉस्फेयर के अंदर फैली हुई होंगी बारिश के बाद, तो जब वो सभी मिलकर जब वो प्रिज्म की तरह काम करेंगी, तो उसकी वजह से क्या दिखाई देगा हमें, आसमान में या स्काई में रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शोवर, ठीक है। बारिश होने के बाद दिखाई देता है रेनबो। इट इज कॉज बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये क्यों बनता है, क्योंकि बारिश होने के बाद जो पानी की बूंदे होती हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनका डिस्पर्जन होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, मतलब जिस डायरेक्शन में सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। अगर सन वेस्ट डायरेक्शन में है तो रेनबो ईस्ट में बनेगा, अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट क्या करती हैं, पानी की बूंदे एक प्रिज्म का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, जो क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है, मतलब जो उसमें से लाइट का रास्ता जो होता है वो चेंज हो जाता है, और उसमें से 7 कलर्स की लाइट निकलती है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या, आसमान में हमें रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब चलते हैं हम इसके आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। देखिए भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने कई बार देखा होगा, अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ अ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फ्री अबव अ फायर और अ रेडिएटर। या फिर कई बार आपने देखा होगा जैसे कोई बैलून वगैरह देखे ना, बहुत बड़े बड़े जो बैलून होते हैं उनके नीचे क्या होता है, गर्म गर्म सी हवा, मतलब गर्म वहाँ से क्या उनके अंदर गर्म हवा छोड़ी जाती है। गर्म हवा जो होती है, जो हॉट एयर काफ़ी हल्की होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, है ना। तो वही चीज़ हमारा कुछ उसी से हम पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है इसका मतलब क्या, मतलब ऐसा रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा होगा, लाइट जो है, लाइट का जो रास्ता है, जो पाथ है, अगर वो एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे, या एटमॉस्फेयर के कारण चेंज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो होता क्या, देखिए भाई कि ना, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यहाँ पर जो एयर की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एयर की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एयर की जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हवा की जो मात्रा है, एयर की जो क्वांटिटी है, वो लगातार कम होती चली जाती है। ऊपर से जब नीचे आएंगे तो एयर की जो क्वांटिटी, वो लगातार क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो होता क्या भाई, देखिए तो, और ऊपर वाली जो हवा होती है ना, वो काफ़ी हल्की भी होती है, जो गर्म हवा, जितनी ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली हवा क्या, काफ़ी ज़्यादा हल्की होती चली जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो गर्म होती है, ठीक है। लिखा ना, द हॉटर एयर इज़ लाइटर, जो हॉटर एयर काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और कैसी होती है, डेंस होती है, देन द कूलर एयर, ठीक है। एंड हैंस अबव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर सेंस एयर, मतलब जो गर्म हवा होती है और जो ठंडी हवा होती है, उन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फिर अलग अलग होता है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम आर नॉट स्टेशनरी, हम क्या देखते हैं, जो हमारे एटमोसफेयर की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, है ना, ये सब चीज़ें क्या लगातार चेंज होती रहती हैं, ठीक है। देन द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स, तो अगर हम गर्म हवा में से किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे ना, तो उसकी जो पोजिशन है वो भी हमें क्या दिखेगी, वो भी हमें फ्लक्चुएट होती रहेगी, मतलब उसकी पोजिशन भी लगातार चेंज होती रहेगी, ठीक है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ये सब किस वजह से होता है, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि लाइट जब एटमॉस्फेरिक एयर में से होते हुए जाती है तो हवा कैसी रहती है, तो वो कैसे रहती है, गर्म हवा रहती है, ठीक है, और कहीं पर गर्म हवा मिलेगी, कहीं पर ठंडी हवा मिलेगी, तो लाइट का बार बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा, हॉट एयर जो कोल्ड एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबका अलग अलग होता है, इसलिए लाइट की जो लाइट का जो पाथ होता है वो भी बार बार चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लाइट कैसे दिखती है, लाइट रिफ्रैक्ट करती हुई दिखती है, मतलब लाइट फ्लक्चुएट करते हुए हमें नजर आती है, ठीक है। इसी का ये एक एग्जांपल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब जो तारे होते हैं वो हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण भी यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए इसे हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कैसे होता है।
द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. जो तारों का जो चमकना है वो क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. जब स्टार से निकलने वाली लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, इसकी वजह से हमें जो स्टार है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं. द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही स्टार लाइट क्या करती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो उसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन होता चला जाता है जब तक वो अर्थ तक पहुँचती है. ठीक है, ठीक है. क्यों होता चला जाएगा, क्योंकि भाई जैसे जैसे अर्थ जैसे जैसे लाइट हमारे अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी तो क्या होगा, एयर की क्वांटिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी. तो मतलब क्या हो रहा है, जब एयर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट का बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, जब ठीक है क्यों हो रहा है, क्योंकि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब जब या फिर डेंसर से रेयर में जाएगी, जब भी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा. तो लाइट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो लाइट बार बार रेयर से डेंसर में जा रही है. ठीक है, तो मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होता चला जाएगा जब तक लाइट अर्थ पर पहुंचेगी. द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ अ ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सिंस द एटमॉस्फेयर बैंड्स स्टार लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो क्या होगा, जब हम बार बार लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती चली जाएगी. मतलब स्टार से जो लाइट निकल के आ रही है वो नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड होती चली जाएगी. मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ये हो गया इसका नॉर्मल, तो लाइट क्या करेगी, इस नॉर्मल की तरफ बैंड होती चली जाएगी. ठीक है, द पेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन. तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार मतलब होगा तो यहाँ पर जब ये स्लाइटली जब ये लाइट इधर नॉर्मल की तरफ जब बैंड होती चली जाएगी तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जो स्टार है वो यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली में यहाँ पर है और लाइट यहाँ से हमें आती हुई दिखाई देगी. ठीक है, ठीक, ये तो आ गया कि स्टार जो हमें वो अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊंचा क्यों दिखाई देता है. ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तारे हैं वो जो स्टार्स जो होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देते हैं. उसका रीज़न यही है कि स्टार से लाइट निकल के जब हम तक पहुंचती है तो लाइट का बार बार रिफ्रैक्शन होता है, तो उस रिफ्रैक्शन के कारण लाइट होती है बार बार वो नॉर्मल लाइन की तरफ बैंड होती चली जाती है, जिसकी वजह से स्टार जो है वो हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या फिर एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजिशन. ठीक है, वैन व्यूड नियर द हॉरिजन. ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ. दिस अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज नॉट, अभी जो अपेरेंट पोजिशन है स्टार की ये स्टेशनरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये लगातार चेंज होती रहती है. बट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है, ये लगातार चेंज होती रहेगी. ठीक है, स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, जैसे कि हमारे अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है एटमोसफेयर की वो भी क्या है, स्टेशनरी नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है, वो भी लगातार चेंज होती रहती है. ठीक है, एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ. ठीक है, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, स्टार्स जो है वो काफ़ी दूरी पर हैं हमसे. ठीक है, दे अप्रोक्सीम, उनका वो हमें देखने में कैसे लगते हैं, स्टार पॉइंट के बराबर लगते हैं. पॉइंट है जैसे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है आसमान में, है ना. एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, मतलब जो रेज ऑफ लाइट स्टार से निकलकर हम तक पहुंचती है वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती रहती है. ठीक है, द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट, जिसकी वजह से स्टार की जो पोजिशन है वो भी लगातार फ्लक्चुएट होती रहेगी, मतलब लगातार चेंज होती रहेगी. एंड द अमाउंट ऑफ लाइट, और फिर वहाँ से लाइट तो स्टार से लाइट निकलकर जो हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है वो भी फ्लिकर्स करती रहती है. मतलब कभी तो हमारे आंखों के अंदर लाइट ज़्यादा एंटर करती है और कभी हमारे आंखों के अंदर लाइट कम एंटर करती है. तो उसकी वजह से हमें जो स्टार है वो कभी तो बहुत ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है, मतलब काफ़ी तो कभी तो हमें लगता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही है, और कभी हमें लगेगा जैसे कि उस काफ़ी ज़्यादा फेंटर है, मतलब उसमें से रोशनी बहुत कम आ रही है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, मतलब कभी तो स्टार में से लाइट ज़्यादा निकल के आती है हमारी आंखों तक, कभी लाइट हमारी आंखों तक बहुत कम पहुँचती है. ठीक है, तो हमें ऐसा इसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि जो स्टार है वो चमक रहा है, स्टार जो है ट्विंकल कर रहा है. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, अब चलते हैं आगे. व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, मतलब प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों नहीं चमकते. ठीक है, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स जब स्टार चमकते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, तो क्या दिख रहे हैं, प्लैनेट्स क्या है वो हमारे अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास में है. ठीक है, और इसका ठीक है, इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज. अब अगर हम प्लैनेट को, तो यहाँ से जो जैसे हमने प्लैनेट मान लिया, ठीक है, ये हो गया एक प्लैनेट. ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट साइज हैं जहाँ से लाइट निकल रही है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, मान लीजिए इसके अंदर 100 सोर्स 100 पॉइंट है जिनसे लाइट निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचेगी. ठीक है, तो एक बार में यहाँ से जो लाइट निकलती है ना वो निकलती है, टोटल तो पॉइंट है कितने 100, पर इसमें से एक बार में जो लाइट निकलती है 50 सोर्सेज से 50 पॉइंट से लाइट निकल के हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रही है. एक मतलब कि हर सेकंड में क्या होता है, 50 जो पॉइंट है इसमें से वो लाइट निकलती है. ठीक है, मतलब एक बार में यहाँ पर जो 50 जो पॉइंट सोर्स हैं वो लाइट यहाँ से निकालते हैं. एक बार में 50 निकालेंगे, फिर एक सेकंड के बाद फिर से जो 50 जो पॉइंट बचेगा तो फिर वो लाइट निकालेंगे. मतलब हर बार क्या होगा, जो लाइट यहाँ से निकल के हमारी आंखों तक पहुँचेगी वो एक जैसी पहुँचेगी, है ना. ठीक है,
100 पॉइंट सोर्सेज हैं, एक बार में 50 जो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट हैं वो क्या कर रही हैं, लाइट निकाल रही है और हमारी आंखों तक पहुंच रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हर बार हमारी आंखों के अंदर जो लाइट पहुंचेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसमें उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होगा कि जो प्लैनेट है वो चमक नहीं रहा, क्योंकि लाइट जब कम या ज़्यादा होगी जब हमें महसूस होगा कि लाइट फ्लक्चुएट, मतलब लाइट चमक रही है, मतलब जो प्लैनेट है वो चमक रहा है, ठीक है। पर यहाँ से लाइट निकल के हमारी आंखों तक पहुँचती है ना, तो कभी कम होती ना कभी ज़्यादा, एक जैसी लाइट हमारी आंखों में लगातार पहुँचती है। इसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होगा जो प्लैनेट है वो चमकते नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो, ठीक है, देयरफॉर नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं फिर इसके आगे, आगे हमारे पास कि एडवांस सनराइज और डिले सेंटेड। एडवांस सनराइज का मतलब होता है जो सनराइज होने से पहले ही, मतलब वास्तव में एक्चुअल में तो सनराइज नहीं हुआ, सन क्या है अभी नीचे ही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखाई देने लग जाता है, इसे बोलते हैं एडवांस सनराइज, ठीक है। और डिले सनसेट मतलब सन तो एक्चुअल में डूब चुका है लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिले सनसेट, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हमें, मतलब जब सन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है तो हम ये बोलेंगे सन अभी क्या है, निकला नहीं है, सन अभी मतलब राइज नहीं हुआ है, ठीक है। और जब साइन यहाँ से निकल के जब ऊपर, जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाएगा तो बोलेंगे सनराइज हो चुका है, ठीक है। और ऐसे ही जब सन इस, जब शाम के टाइम पे जब सन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पहुँच जाएगा तो हम बोलेंगे सन क्या है, वो सेट हो चुका है, ठीक है, सन सेट हो चुका है, मतलब सन डूब चुका है, ठीक है, अगर समझ में। तो होता क्या भाई, द सन इज़ विजिबल, लिखा ना, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, मतलब सन जो होता है वो एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही हमें सन क्या 2 मिनट पहले से दिखाई देने लग जाता है। और ऐसे ही जो सनसेट होने के बाद भी जो सन हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है बिकॉज ऑफ एन एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, ऐसा क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के कारण होता है। अब देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग द होरिजन, ठीक है, क्या देखते हैं, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा इसमें दे नहीं रखा ना कैसे होता है, थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है भाई, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारी होगी अर्थ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अभी सन हमारे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे, मतलब सनराइज अभी हुआ नहीं है, सन एक्चुअल में अभी ऊपर नहीं आया, जब ऊपर आ जाएगा जब भी हम बोलेंगे एक्चुअल में सनराइज हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जब सन से लाइट निकल कर जब अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में पहुँचती है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, लाइट का रिफ्रेक्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के, जैसे जैसे लाइट क्या करेगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा, लाइट का बार बार रिफ्रेक्शन होता चला जाएगा, लाइट का जो रास्ता है बार बार चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। लाइट क्या करेगी, जब लाइट बार बार रेयर से डेंसर में जाएगी, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब जाएगी तो यहाँ पर लाइट को क्या मिलेगी, एयर मिलेगी, और जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ जाएगी लाइट तो क्या होगा, एयर और ज़्यादा डेंस होती चली जाएगी, एयर की जो क्वांटिटी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से लाइट जो होगी बार बार क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होती जाएगी, लाइट का जो रास्ता बार बार चेंज होता चला जाएगा, और लाइट क्या करेगी फिर वो इस हॉरिजॉन्टल से, मतलब क्या करेगी, लाइट क्या करेगी फिर वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता ना, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट क्या करेगी, वो यहाँ से, मतलब जो लाइट होगी वो ऐसे यहाँ से बेंड होती होती वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से खड़ा होकर लाइट वो सन को देख रहा है, तो उसे ऐसे महसूस होगा यहाँ पर खड़ा होने के बाद जैसे कि सन यहाँ पर नहीं, यहाँ से, मतलब लाइट आ तो ऐसे रही थी लेकिन जब यहाँ एटमॉस्फेयर में पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन, और उसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ कि लाइट ऊपर से आ रही, नीचे से नहीं आ रही, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एडवांस सन, मतलब सन तो अभी हॉरिजॉन्टल से नीचे ही है लेकिन फिर भी उसे ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे एडवांस सनराइज, ठीक है। और इसी तरीके से सनसेट भी होता है कि सन तो सेट हो चुका, मतलब सन तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जब सन से लाइट निकल कर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच रही तो लाइट का रिफ्रेक्शन हो रहा है, रिफ्रेक्शन होने के कारण जो सन है वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डिले सनसेट, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सेवरल स्पेक्ट्रम फिलोमेना इन नेचर, मतलब जो लाइट होती है, जब लाइट हमारे आसपास के एयर के अंदर जो पार्टिकल जब उनसे टकराती है तो वो हमें, उससे हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, जैसे द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का नीला रंग, द कलर ऑफ द वाटर इन द डीप सी, जैसे कि गहरे समुद्र का रंग, जो गहरा समुद्र होता है, जो समुद्र होते हैं उनके पानी का रंग कैसा होता है, ठीक है, द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज, मतलब जो सनराइज और सनसेट के समय आपने देखा ना आसमान हल्का सा लाल दिखाई देता है, ठीक है, और भी बहुत सारे
बहुत सारे फिनोमिना हैं जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे यार टिंडल इफेक्ट के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टिंडल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, देखिए, द अर्थ एटमोसफेयर इज़ अ हेटरोजीनियस मिक्सचर। अर्थ का एटमोसफेयर क्या है, वो हेटरोजीनियस मिक्सचर में है ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। मतलब अर्थ के एटमोसफेयर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है। अगर होमोजीनियस होता तब तो होता एक जैसे, हेटरोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे डस्ट के हो गए, धुएं के हो गए, पानी की बूंदें हो गई, एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। देखा ना, द पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, टिनी वाटर डॉपलर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जब इस पे जब सन की लाइट क्या करती है, इन पर पड़ती है सच फाइन पार्टिकल्स, तो ये जो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए एक कमरा है, कि कमरे के अंदर यहाँ छोटा सा होल है, इसमें से होल में से लाइट आ रही कमरे के अंदर, तो क्या देखेंगे आप, इस कमरे के अंदर और कहीं से लाइट नहीं आ रही, इसी इसी होल से लाइट आ रही है सन की लाइट, तो क्या देखेंगे, तो इस कमरे के अंदर जो एयर होगी, एयर के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, जब लाइट यहाँ से आएगी तो हमें उस लाइट के अंदर क्या दिखेंगे, वो सारे सारे जो एयर के पार्टिकल हैं वो हमें नज़र आने लग जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, उसी बंद कमरे के अंदर एक कोने से लाइट आ रही हो, ठीक है, तो उस लाइट के एरिया में जहाँ जहाँ तक जहाँ से वो लाइट आ रही होती है, जहाँ पर वो लाइट पड़ रही होती है, उस इतने एरिया में हमें एयर के जो पार्टिकल होते हैं, एयर के अंदर छोटे छोटे कण है, वो हमें धूल के कण आराम से दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बींग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। लाइट क्या होती है, उन पार्टिकल से टकराने के बाद ही हम तक पहुँचती है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडर पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, कि जब लाइट इस होल में से होती है, जब इस कमरे में पहुँचती है, तो लाइट क्या करती है, वो पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद ही जो पार्टिकल है वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। दिस फिनोमिना इज इवन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फील्ड। अगर किसी कमरे के अंदर धुआं भरा हुआ है, उसके अंदर भी अगर एक पतली सी सन की लाइट या कोई सी भी लाइट एंटर करेगी, तब भी क्या हम उस छोटी सी पतली सी लाइट के अंदर भी क्या धुएं के पार्टिकल्स को आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो भी ऑब्जर्व व्हेन अ सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। आपने देखा होगा बार जो घने जंगल होते हैं, आप ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, तो आप सुबह या शाम के टाइम जाएंगे ना, तो भी आप क्या देखेंगे, वहाँ पर भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। मतलब जब सन की लाइट उन पेड़ों में से निकल के आएगी, तो आप देख पाएंगे कि सन की लाइट में क्या, वो जो पानी की बूंदें होंगी जंगल के अंदर, या फिर जो धूल के कण होंगे, वो भी सब आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। मतलब जो यह बताया, जो स्कैटर्ड लाइट का जो कलर है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो लाइट है वो कितने साइज के पार्टिकल से टकरा रही है, ठीक है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मैनी ब्लू लाइट। जो अगर लाइट क्या करती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, तो वहाँ पर जो लाइट नज़र आएगी आपको ब्लू कलर की लाइट नज़र आएगी, ठीक है। और अगर साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है पार्टिकल का, तब हमें जो लाइट नज़र आती है वो व्हाइट कलर की लाइट नज़र आएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे फिर। अब पढ़ेंगे हम व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई, ठीक है। तो जिसकी वजह से आसमान जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। देखिए, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है, जब सन से लाइट निकल कर जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो क्या होता है, जो उसमें से जो जिस कलर की वेवलेंथ जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी, उस कलर की जो लाइट होगी वो क्या करेगी, पार्टिकल से टकरा के फैल जाती है। और जिस कलर की वेवलेंथ कम होती, सॉरी बहुत ज़्यादा होती है, उस कलर की लाइट क्या करती है, पार्टिकल से टकराती नहीं है, और वो लाइट क्या करती है, सीधा मतलब एटमॉस्फेयर में से पास हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की लाइट होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी क्या होती है, कम होती है। तो ब्लू कलर की लाइट क्या करेगी, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के आसमान में फैल जाती है। ब्लू कलर की लाइट क्या बता रहा हूँ, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के क्या होता है, आसमान में फैल जाती है, जिसकी वजह से आसमान जो है वो हमें वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्या बता रहा हूँ मैं, ब्लू कलर की जो लाइट है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए ब्लू कलर की जो लाइट है ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के क्या होती है, आसमान में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें जो आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एज्यूम कर लीजिए, अगर हमारे अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ही ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो जो लाइट की जो स्कैटरिंग हो रही, लाइट जो पार्टिकल से टकरा रही है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना भाई, ठीक है। तो जो पैसेंजर वगैरह जो क्या करते हैं, जो काफ़ी काफ़ी ऊंची हाइट पर जब वो प्लेन में बैठ कर ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ से उन्हें आसमान कैसा दिखाई देता है, काला नज़र आता है, बिल्कुल काला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर
क्या होता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, मतलब लाइट पार्टिकल से टकरा के वहाँ पर फैलेगी नहीं, क्योंकि लाइट को तो फैलने के लिए क्या चाहिए, कोई पार्टिकल चाहिए, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी जब तो लाइट फैलेगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जब पार्टिकल ही नहीं होंगे तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी, तो मतलब लाइट हमें वहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं देगी। इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो कोई स्कैटरिंग भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है, द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो आसमान कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, मतलब जो पैसेंजर एरोप्लेन में रॉकेट में बैठे काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं ना, तो उन्हें आसमान कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपने देखा होगा जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। आपने देखा है ना, जब आप रोड पर चलते हैं जो वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट वगैरह होती हैं उनमें सबसे ऊपर जो डेंजर सिग्नल कैसा होता है, रेड कलर का होता है। रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, है ना। और जितने भी डेंजर सिग्नल्स हैं वहाँ पर हर जगह रेड कलर का पेंट किया है। उसका मतलब क्या है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वजह से रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है, मतलब रेड कलर की जो लाइट है वो पार्टिकल से टकरा के बहुत कम फैलती है। मतलब ब्लू मतलब जो रेड कलर की लाइट है वो पार्टिकल से बहुत कम टकराती है, रेड कलर की लाइट है वो सीधी पार्टिकल में से, मतलब वो पार्टिकल से बिना टकराए काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए जितने भी डेंजर सिग्नल वगैरह होते हैं वो हमेशा कैसे बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं, ताकि जैसे फॉग है या स्मोक है, तो फॉग या स्मोक हो रहा है तब भी जो हमें लाइट है वो हमें काफ़ी दूर से दिखाई दे सके, है ना। आपने के बाद देखा होगा सर्दियों के मौसम जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे जो रेड कलर जो वहाँ पर जो मतलब जो ट्रैफिक लाइट लगी होती है उसमें से जब रेड कलर की लाइट जब जल रही होती तो क्या वो हमें काफ़ी दूर से ही दिखाई देने लग जाती है ना, फॉग के टाइम पे। लेकिन जो येलो और जो ग्रीन कलर की लाइट होती है काफ़ी दूर से दिखाई नहीं देती है ना। ठीक है, उसका कारण ये है कि रेड कलर की लाइट है इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग कम होती है। लिखा द रेड इज लीस्ट स्कैटर, रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए जो रेड कलर की लाइट है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल्स वगैरह होते हैं वो सभी रेड कलर के बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हैं आगे, लास्ट टॉपिक हमारा कलर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट के समय जो मतलब जो सन का कलर होता है वो रेड होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है। तो देखिए भाई, इसका साफ साफ मतलब तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट में है, देखिए ये हो गया, ये हमारे अर्थ हो गया, यहाँ पर हम खड़े हैं ऑब्जर्वर, मतलब कोई आदमी खड़ा यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, अभी सन क्या है, नियर द हॉरिजन। ठीक है, इसे मैं एग्जांपल से थोड़ा आप अपनी कॉपी पे थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे होता है देखिए, कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, ये हम खड़े हैं, अभी यहाँ पे है सन। जब सन हमारे ठीक ऊपर होता था कौन सा टाइम होता है, एट नून, दोपहर के टाइम पे होता है ऐसा। ठीक है, अभी सन हमारा कहाँ है, हॉरिजन के पास है। ठीक है, हॉरिजन, ये हॉरिजन लाइन होगी, सन यहाँ पर है मान लीजिए इधर। ठीक है, ये मान लीजिए सनराइज हो रहा है, इस साइड मान लीजिए सनसेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी सन क्या हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल लाइन के पास है, और यहाँ क्या होने वाला है, सनसेट होने वाला, मतलब यहाँ से सूरज निकलेगा, यहाँ से सूरज मतलब सूर्य अस्त हो जाएगा, सनराइज होगा, सनसेट हो जाएगा। तो क्या होता है भाई, सन जब राइज हो रहा होता है और जब सनसेट हो रहा था, तो सन क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के काफ़ी ज़्यादा, मतलब सन जो होता है वो हमारे ऑब्जर्वर से या फिर अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर पे होता है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पे होता है। ठीक है, जब सन हॉरिजॉन्टल के पास होता है तो सन क्या होता है अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, लेकिन जब सन हमारे ठीक ऊपर होता है दोपहर के टाइम पे, तो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहती है, लेस डिस्टेंस रहती है। ठीक है, जब सन ठीक हमारे ऊपर रहता है दोपहर के टाइम समय में, तो इस समय सन और अर्थ की जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है, लेकिन जब सन हॉरिजॉन्टल के पास होता है, चाहे वो सनराइज के समय पे हो चाहे सनसेट के समय हो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर डिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है इस टाइम पे। ठीक है, सनराइज और सनसेट के समय पे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, जब सनराइज और सनसेट के समय पे जब डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सन से लाइट निकल कर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हुई जब हम तक पहुँचेगी, तो क्या होगा भाई, रेड कलर की जो लाइट है, मैंने बताया रेड कलर की जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मोर वेवलेंथ होती है रेड कलर की लाइट की। ठीक है, तो रेड कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर्स की जो लाइट होंगी वो क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर के अंदर के जो पार्टिकल है उनसे टकरा के पीछे ही छूट जाएंगी, मतलब
जो रेड कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर्स की जो लाइट हैं वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर पीछे ही छूट जाएंगे, मतलब हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम तक जो लाइट पहुंचेगी वो सिर्फ रेड कलर की ही लाइट पहुंचेगी। उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होगा कि सन जो है वो कैसा है, वो लाल रंग का है। मतलब सन जो है वो अभी, अब सन का कलर इस टाइम कैसा है, वो रेड कलर का है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अगर आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय जब छानते हैं तो क्या होता है, चाय जो जो चाय छानने के लिए जो आप छन्नी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो छन्नी क्या कर रही है, वो क्या करेगी, वो चाय की पत्ती को और बाकी सभी चीज़ों क्या करती है, वो छन्नी में ही रोक लेती है। सिर्फ चाय ही चाय क्या करती है, वो छन्नी में से फिल्टर होके मतलब आपके आप कप में पहुंच जाती है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर, छन्नी क्या कर रही है, वो चाय के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे वो चाय की पत्ती है या फिर आपने कोई लौंग या फिर आपने उसके अंदर अगर कोई मतलब कोई पत्तियाँ वगैरह डाली हैं, जैसे कि तुलसी की पत्तियाँ वगैरह, तो उन सबको रोक लेती है ना। मतलब जो छन्नी है वो क्या कर रही है, वो तुलसी की पत्ती को और चाय की पत्ती को उन सबको क्या कर रही है, अपने पास ही रोक ले रही, आगे नहीं जाने दे रही है ना। तो हम तक सिर्फ चाय चाय पहुँच रही कप के अंदर। तो उसी तरीके से क्या हो रहा है कि जब सन हॉरिजॉन्टल के पास होता है, तो सन से जब लाइट निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, जब हम तक पहुँचती है, तो उसमें से रेड कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर की जो लाइट है वो पार्टिकल्स के एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल, जैसे डस्ट के पार्टिकल हैं, स्मोक के पार्टिकल हैं, उनसे टकरा के पीछे ही रह जाती है, हम तक पहुँच ही नहीं पाती। हम तक जो लाइट पहुँचती है वो सिर्फ रेड कलर की लाइट पहुँचती है। अब कई बार बच्चे भी सोचेंगे भाई कि भाई हम तक मतलब जो रेड कलर की लाइट को छोड़कर जो बाकी कलर की लाइट जो पहुँच नहीं पहुँच रही है, उसका कारण क्या है। कारण ये भी है क्योंकि रेड कलर की लाइट को छोड़कर बाकी सभी कलर्स की जो लाइट होती है उनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उस कलर की जो लाइट क्या करेगी, वो पार्टिकल से टकरा के पीछे ही छूट जाएगी। हम तक सिर्फ कौन सी पहुंचेगी, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जिस कलर की लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उस कलर की जो स्कैटरिंग होगी बहुत कम होगी, मतलब उस कलर का जो वो जो कलर है वो काफ़ी दूर, काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है, जब सन से लाइट निकलकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है, जब हम तक पहुंचती है, तो रेड कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर्स की जो लाइट हैं वो पार्टिकल से टकराकर पीछे ही छूट जाती है, वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। हम तक जो लाइट पहुंचती है वो सिर्फ रेड कलर की लाइट पहुंचती है। तो उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि सनराइज और सनसेट के समय जो सन कैसा दिखाई देता है, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है ना, इस एक्टिविटी में भी वही बात समझाई गई है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, प्लेज अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस, यहाँ पे सोर्स ले लिया हमने लाइट का सोर्स एस, ठीक है, ऑफ अ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे हमने एक लेंस लगा लिया L1। दिस लेंस इससे इस लेंस का काम क्या करेगा, जब जो लाइट यहाँ से निकलेगी तो लेंस लाइट जब इस लेंस पर टकराएगी तो यहाँ से क्या करेंगे, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, यहाँ से रेज ऑफ लाइट कैसे हो जाएंगी, पैरेलल निकलेंगे। ठीक है, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, हमने एक ग्लास ले लिया, टैंक ले लिया कांच का, इसके अंदर पानी भर लिया एकदम क्लीन। ठीक है, अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लगाया, इसमें छोटा सा होल कर लिया है। ठीक है, फिर हमने क्या, ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस, फिर हमने यहाँ पर एक स्क्रीन ले ली है जहाँ पर हम इसकी इमेज देखेंगे इस होल की। ठीक है, बीच में हमने क्या लगा लिया, लेंस लगा लिया L2। ठीक है, L2 क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है जो क्या करेगा, इन सभी रेज ऑफ लाइट को यहाँ पर लाकर मिला देगा इस स्क्रीन पे। ठीक है, अब क्या करें, डिजॉल्व अबाउट, अब इसके अंदर 200 ग्राम क्या डाल देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट डाल देते हैं इस टैंक के अंदर। ठीक है, ठीक, और फिर एड अबाउट 1 से 2 ml इसके अंदर क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 minutes, तो हम क्या देखेंगे इस टैंक के अंदर क्या देखेंगे, छोटे छोटे जो सल्फर के पार्टिकल हैं वो इसके अंदर तैरते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगेन टू फॉर्म, जैसे इसमें सल्फर के पार्टिकल बनने चालू हो जाएंगे, यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 sides ऑफ द ग्लास टैंक, तो आपको ये जो ग्लास टैंक रखा हुआ है इसके तीनों साइड से आपको ब्लू कलर की लाइट निकलती हुई नजर आएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो ब्लू कलर की लाइट है वो सल्फर के पार्टिकल से टकरा के यहीं पर फैलती जा रही है, इसलिए हमें तीनों साइड से कैसे लाइट, यहाँ से जो लाइट निकलती नजर आएगी कैसे आएगी, ब्लू कलर की लाइट निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बाय द माइन्यूट कोलाइडर सल्फर पार्टिकल्स। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सल्फर पार्टिकल, क्योंकि जो ब्लू कलर की लाइट है इसकी वेवलेंथ छोटी है और ये पार्टिकल, ये सल्फर के पार्टिकल से टकरा के फैल रही है। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th side ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल, अब देखो जो अब
टैंक का वो वाला फेस जहाँ पर कार्डबोर्ड का होल बना हुआ है, वहाँ पर देखो कैसी लाइट आ रही है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। तो पहले क्या देखेंगे, पहले तो यहाँ पर जो कलर कैसा आपको कैसा कलर दिखाई देगा वो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और बाद में कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले ऑरेंज को दिखाई देगा क्योंकि इसमें धीरे धीरे पार्टिकल बन रहे थे, तो ब्लू कलर की लाइट मतलब ब्लू कलर की लाइट तो जो थी वो तो पार्टिकल से टकरा के यहीं पर फैल गई, और ऑरेंज कलर की जो लाइट है वो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसमें पार्टिकल धीरे धीरे और बनने चालू हो जाएंगे तो जो ऑरेंज कलर की लाइट होगी वो भी यहीं पर आकर रुक जाएगी, तो लाइट जो हम तक यहाँ तक पहुँचेगी इन पार्टिकल से बिना टकरा, जो लाइट इस होल से होती है यहाँ तक पहुंचेगी वो सिर्फ रेड कलर की लाइट पहुंचेगी ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो होल दिखाई देगा, जो लाइट दिखाई देगी कैसे दिखाई देगी, फिर वो रेड कलर की दिखाई देगी, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी वीडियो या मतलब किसी भी टॉपिक पे, चाहे साइंस का हो या मैथ्स का हो या किसी चैप्टर पे कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे वीडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।